आपने फोन क्यों किया था? सर एक्चुअली कल रात हमारी सोसाइटी में एक तेंदुआ घुसाया था। तेंदुआ? वो यहाँ भी आया था? आसा मेरी हालत देखिए साहब। सब वो बहुत जगह पे बैठा था साहब, जगह पे। लेकिन इन लोगों ने मुझे होश में लाया साहब। आप लोग सावधान रहिए, वो तेंदुआ यहाँ आसपास की सोसाइटी में नजर आया था। अब तक तो वो चार लोगों को मार चुका है और ये वॉचमैन पांचवा आदमी है। हे भगवान, अब तो घर से बाहर निकलने में भी खतरा है। और हाँ, जब तक वो तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, आप लोग अपने घर से बाहर मत निकलिए और खास तौर से अपने बच्चों पर नजर रखिए, उन्हें गार्डन की तरफ मत भेजिए। मैं तो टिंकू को घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। लेकिन अभी तो हमारे बच्चे गार्डन में खेलने गए हैं। पापा, 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 इधर सुनकर वो टिंकू। टिंकू? क्या हुआ टिंकू को? हम सब लोग फुटबॉल खेल रहे थे। लेके कौन आएगा? क्या यार, अकेले में कैसे? जा ले क्या? मैं जाता हूँ लेने। हम लोग कितनी देर से टिंकू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो वापस आया ही नहीं। क्या? हे भगवान, मेरे टिंकू को क्या हो गया? ओह नो, जिसका डर था वही हो गया। एक तो जंगल बहुत खतरनाक है, ऊपर से तेंदुए का आतंक। इन औरतों को साथ में नहीं लाना चाहिए था। हाँ सर, अगर सचमुच कहीं यहाँ तेंदुआ आ गया तो हम अपनी जान बचाएंगे या इन लोगों को संभालेंगे? बंदूकें हैं ना आप लोगों के पास, तो डर किस बात का? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोग जानवरों पर बंदूक नहीं तानते, क्योंकि ये जंगल और जानवर सब हमारे दोस्त हैं। जानवर हिंसक होते हैं पर वो मासूम भी होते हैं। ये भी तो नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा टिंकू को ढूंढने में, और फिर आप सब कब तक भटकते रहेंगे हमारे साथ? ठीक कह रहे हैं आप लोग हितेश, हम लोग को चलना चाहिए। ये लोग ढूंढ कर लाएंगे ना टिंकू को। नहीं भाभी, अगर आप जाना चाहती हो तो आप जाओ, मैं मेरे टिंकू को ले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी वापस नहीं जाने वाला। तो ठीक है, मैं भी कौन सा अकेले वापस जाने वाला। चलिए चलिए ऑफिसर। Tinko! Tinko! Tinko!
टिंकू 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 ये तो टिंकू की शर्ट का कपड़ा है भैया भाभी आज सुबह मैंने टिंकू को ये शर्ट पहनाया था भगवान मेरे टिंकू की रक्षा करना कल टिंकू कुछ हो तो नहीं गया प्लीज सर ऐसी बात भी मत कीजिए कहीं टिंकू पर हमला तो नहीं हो गया कहीं जख्मी तो नहीं हो गया वो सर तेंदुए के अलावा और कौन जख्मी करेगा इसे तो गोली मारी है सर किसने गोली मारी होगी इसे आप कोई जानवर तो गोली मार नहीं सकता जाहिर है किसी आदमी ने ही मारी होगी ना लेकिन यहाँ जंगल में इसे गोली किसने मारी होगी अब इसका पता तो सीआईडी लगाएगी इसकी कोई पहचान मिली आसपास के इलाके में खबर भिजवाई है ठीक है अभी तक कुछ पता नहीं चला है मगर सर ये इस सुनसान जंगल में क्या करने आया होगा इसका जवाब तो इसके खून ही दे सकते हैं लेकिन इतना तो तय है कुछ और लोग भी हैं जंगल में और लोग ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं जंगल में अरे यार कुछ उल्टा सीधा ही तो कर रहे होंगे वरना इस आदमी को गोली क्यों मारते सर सर प्लीज कुछ कीजिए कैसे भी करके टिंकू को बाहर निकालिए ये देखिए ये हमें जंगल में उसकी शर्ट का फटा हुआ कपड़ा मिला सर प्लीज जल्दी कीजिए वो बहुत छोटा है बहुत घबरा गया होगा हाँ सर कहीं टिंकू को कुछ हो ना गया हो चिंता मत कीजिए सबसे पहले हम बच्चे की तलाश करेंगे सर हो सकता है टिंकू ने खून होते हुए देख लिया हो और खूनी उसे अपने साथ ले गया हो हाँ मैडम ऐसा हो सकता है मतलब वो खूनी टिंकू को भी मार देगा खूनी अपना सबूत नहीं छोड़ता प्लीज आप लोग ये बेकार की बातें बंद कीजिए प्लीज एक मिनट सचिन तेंदुए के पंजों के निशान है सर कहीं टिंकू को तेंदुआ ले तो नहीं क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये देखिए तेंदुए के निशान
ये उसे घसीटता हुआ ले गया है। देखिए प्लीज आप लोग हिम्मत मत हारिए, हो सकता है कि टिंकू को कुछ ना हुआ। देखिए हम लोग टिंकू को ढूंढ निकालेंगे, प्लीज आप लोग धीरज रखिए। ठीक है अभी अभी आप लोग घर जाइए, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। नहीं हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, प्लीज हम टिंकू को लेकर जाएंगे प्लीज। ठीक है टिंकू के परिवार वाले रुके, बाकी सब लोग घर जाइए प्लीज, जाइए आप लोग। मयूर बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। यस सर। चलिए आगे चल के देखते हैं। आइए। तेंदुए के कुर्राने की आवाज है। मतलब तेंदुआ यहीं पास में ही है। ये तो बाकी आवाज है। लगता है बाघ और तेंदुआ आपस में लड़ रहे हैं। सर तेंदुआ और बाघ एक साथ? बच्चे के रोने की आवाज। सर सर कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। बच्चा, मेरा भतीजा, उसे बचा लीजिए। मैम मैम प्लीज उसे बचा लीजिए। ये बाघ आया कहाँ से? मुंबई में तो बाघ है ही नहीं, सिर्फ तेंदुए। सर सिर्फ तेंदुए। चलते हैं आगे। नहीं सर थोड़ी देर रुकिए, आगे खतरा है। बच्चे की जान को खतरा है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, कुछ करना पड़ेगा। कौशल। यस सर। ट्रैंकुलाइजर बुलेट रेडी रखो। यस सर। कौन फर्स्ट? यस सर। सर रुकिए। ये देखिए पंजों के निशान। ये बाघ के पंजों के निशान है और ये तेंदुए के पंजों के निशान। सर इसका मतलब दोनों जानवरों में यहाँ लड़ाई हुई थी। यानी कि मेरा टिंकू भी यहीं कहीं होगा। टिंकू टिंकू सर लगता है जानवर ने अपना काम कर दिया। क्या मतलब कौशल? वो देखिए सर। खून? इतना सारा खून? सर सर टिंकू। सर अब तो कोई उम्मीद नहीं उस बच्चे के बचने की। यार आप तो हमेशा बुराई क्यों सोचते हो? जानवर खतरनाक होता है, बेरहम नहीं। वो बिना वजह किसी पे हमला क्यों करेगा? टिंकू यहीं आसपास ही होगा, ढूंढो ध्यान से। यह बात तो पक्की है, इस जंगल में बाघ है। तो अब करना क्या है? करना क्या? वही करना है जो हमारा प्लान था। और एक बात ध्यान रखना, इस जंगल में तेंदुए भी है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस जंगल में बाघ, तो ये बात तो फॉरेस्ट अधिकारियों को ही पता होगी। इसीलिए तो हमें सावधान रहना है, और इससे पहले कि ऑफिसर्स बाघ तक पहुंचे हमें उन्हें पकड़ के यहाँ से निकल जाना है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे हम बाघ ने बिल्ली पकड़ने आए। बाघ और बिल्ली में ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों होते मासूम ही है। देखते हैं जब बाघ सामने आएगा
तू पहली बार आया ना, इसलिए घबरा रहा है। अब तक न जाने कितनों को पार कर चुका हूं। देखते हैं। अरे देखना क्या है? देखना, जब रुपए मिलेंगे तो तुम्हारी आंखें चौंधिया आ जाएंगी। अरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत कड़क पैरा इस जंगल पे, जो भी करना चुप चुप के करना पड़ेगा। अरे मालूम है, अरे इसी बात के तो मुंहमांगी रकम मिलती है हमें। और इस बार तू भी रुपयों पे ऐश करेगा। शोर नहीं आ, किसी को पता लग गया ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन अब कब तक इंतजार करेंगे? कब तक हा? जब तक बाघ हमारी पकड़ में नहीं आता। बच्चे की हंसने की आवाज। टाइगर कहां गया? कैसी चीख है? लगता है टाइगर ने किसी पर हमला किया है सर। क्या? जी हाँ, टाइगर आसपास ही है।
उसको ढूंढो उसे। टाइगर अगर भूखा हो तो और भी खतरनाक हो जाता है, मालूम है? सर, पुत्र। अरे ये तो जग्गू है। कौन है जग्गू? सर ये चोरी से जानवरों का शिकार करता है और अभी अभी जमानत पे छूटा है। पूरा चेहरा फाड़ दिया टाइगर ने। जग्गू, कैसे हुआ ये सब? टाइगर शेर। बच्चा। हाँ जग्गू, बच्चा कहाँ है? अरे तो मर गया। शिकार करने आया था और खुद ही शिकार हो गया। आग जला रखी थी उन्होंने, इसका मतलब है बाकी के शिकारी भी आसपास ही होंगे। कहीं कहीं छुपके टाइगर का इंतजार कर रहे होंगे। घेरना होगा इन्हें। सर सावधान रहिए, उन्होंने टाइगर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा होगा। जीतू जी, इससे हमें क्या करना है? जाल पर पैर रखते ही हम फंस सकते हैं उसमें। हाँ कोई आ रहा है। शिकारी होंगी, हो सकता है। छुप जाओ। कर रहा है? क्या करूं सर, कुछ नहीं हो रही है। अरे यार कंट्रोल कर। अरे कंट्रोल नहीं हो रहा सर। लटका रहा है वहीं पे, लटका रहा है। नहीं 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 सर। फ्रेडी फ्रेडी, अरे यार शिकारी समझेंगे कि शेर फंस गया है, उसके चक्कर में यहाँ पे आएंगे। लटका रहा है वहीं पे। अरे इसमें तो आदमी फंस गया। सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। उतारो इसे। ए, बहुत हो गया शिकार, अब जेल की चक्की पीसने की तैयारी करो। Thank you.
बच्चा और टाइगर कहाँ है? बच्चा? कौन सा बच्चा? हम तो बाघ का इंतजार कर रहे थे। सर, हमने किसी बच्चे को नहीं देखा। एक आदमी गोली से मरा हुआ था यहाँ पे। गोली उसे तुम दोनों ने मारी ना? हमें लगा वो किसी दूसरे शिकारी गुट से, पर वो तो कोई और ही था। पहले कभी नहीं देखा उसे इस जंगल में। कर क्या रहा था वो? शायद किसी का इंतजार कर रहा था। सर शायद किसी घात लगे बैठा था, शायद किसी को मारना चाहता था। मयूर, लेकर जाए इनको। आखिरी उम्मीद थी टिंकू के मिलने की, अब तो वो भी नहीं रही। टिंकू, हिम्मत रखे, टिंकू को हम लोग ढूंढ लेंगे। सर, जो लाश हमें जंगल में मिली थी वो एक खूनी की थी। उसका नाम पक्या था। वो एक साल से मुंबई जेल में बंद था और फिर वहां से भाग गया। पक्या, खूनी पक्या। इस पक्या की लाश मिली थी जंगल में। जंगल में क्यों? क्यों गया था ये जंगल में? किसी का खून करने? अगर खून करने गया था तो फिर किसका खून करने गया था? किसका? सर, अगर जंगल में किसी का खून करने गया था तो हो सकता है जिसका खून ये करने गया हो उसी ने इसका खून कर दिया। निखिल, मान लिया कि ये पक्या जंगल में किसी का खून करने गया था, फिर भी ये सवाल तो रहता ही है ना कि किसका किसका खून करने गया होगा ये पक्या? पूर्वी, और क्या पता चला इस पक्या के बारे में? सर, जेल से जो हमें एड्रेस मिला था, ये वहां नहीं रह रहा था, और ये जिस आदमी के लिए काम करता था वो आदमी अब बिल्डर बन गया है। पक्या जिस आदमी के लिए पहले से काम करता था वो आदमी अब बिल्डर बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पक्या का ये पुराना दोस्त, पुराना साथी बिल्डर फिर से पहले काम में लग गया है खून करने का? सर, इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे? मिस जूबी जूबी, सर। अब क्या हुआ? सर, टाइगर की आवाज आ रही है। आपको कैसे पता टाइगर आ रहे? ध्यान से सुनिए, बार्किंग डियर तभी ऐसी आवाज करता है जब टाइगर आसपास हो। सब लोग छुप जाइए, कम ऑन फास्ट। टिंकू,
लोग शेरा को मारना चाहते हो? आपके पास गन भी है। शेरा भाग। अंदर कहाँ जा रही थी? तुम्हारे बॉस से मिलना है। बॉस से मिलने? क्यों? किसी को मारने की सुपारी देनी है। तुम किसी को मार सकती हो? मैं नहीं मारूंगी, मारोगे तुम लोग। मैं तो सिर्फ कीमत दूंगी, 25 लाख रुपए। किसे मारना है? तुम्हारे बॉस को ही बताऊंगी। ठीक है ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बॉस को बता के आता हूँ। यहीं रुकना। बॉस बोलो। एक लड़की आई है, वो किसी की सुपारी देना चाहती है। किसकी सुपारी देना चाहती है? कौन है वो लड़की? ये तो मुझे नहीं बताया है, बोली कि आपको ही बताएगी। और हाँ बॉस, अपने साथ 25 लाख रोकड़ा लेके आई है। चलो। बैठिए मैडम, कहिए क्या काम है? किसी को खत्म करना है। मैडम हम ऐसा काम नहीं करते। अगर ऐसा काम नहीं करते तो मुझे अंदर नहीं बुलाते। मुझे पक्के ने तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया। काम की कीमत। पच्चीस लाख। इतनी बड़ी कीमत मैडम? किसका खून करना है? कोई बड़ा आदमी है क्या? तुम बस पैसे से मतलब रखो। इसे खत्म कर। लगता है आप बहुत नफरत करती हैं इससे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल तक आपका काम हो जाएगा। ये तो इसका ही फोटो है। कौन है ये? CID साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, सचमुच मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया? पक्का को किसने भेजा था सोसाइटी के पास वाले जंगल में? हाँ साहब, मैंने भेजा था। क्यों क्यों भेजा था? उसको मारने के लिए भेजा था साहब, एक बच्चे को मारने के लिए। टिंकू नाम है उसका। किसके कहने पर? किसके कहने पर? ये कहां चला गया? सब लोग फैल जाओ। शेरा, कहाँ तुम? शेरा, 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 टिंकू, ये शेरा कहाँ चले गया? मुझे तो जंगल का रास्ता भी नहीं पता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो? शेरा कहाँ? एक काम करो, तुम उस तरफ देखो। टिंकू, टिंकू,
कहाँ चला गया? टिंको टिंको बच्चे के चीखने की आवाज, लगता है बच्चा खतरे में है। चाचू भाई, भाई चाचू भाई। अबे चुप, चाचू के बच्चे चुप हो जा। आज तो बेटा गया। मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो आपका बेटा हूं ना। बेटा? क्योंकि तू मेरे रास्ते की रुकावट है। तेरे माँ बाप तो मर गए बेटा, और तुझे छोड़ गए। चाचू नहीं। आज तेरा भी काम खत्म। टिंकू रुक जाओ, उधर टाइगर है बेटा, रुक जाओ। अंकल वो मुझे कुछ नहीं करेगा, हमारा फ्रेंड है। बुआ ये तो वही वाला छोटा शेर है। वो हमारा शेरा? क्या क्या मतलब? सर हम जानते हैं इसे। सर इसलिए शायद टिंकू को इससे जरा भी डर ही नहीं लग रहा है। टिंकू, टिंकू, बेटा मुझे बचाओ। टिंकू बेटा, शेरा, शेरा नहीं। बचा ले बेटा, बचा ले चाचू को। शेरा, वो मेरे चाचू है, उनको कुछ मत करना। वाह टिंकू, तुम्हारा दोस्त तो बहुत समझदार है। अरे बड़ी अजीब बात है सर, बच्चे की हर बात बाप मान रहा है। थैंक यू बेटा, तुमने चाचू को बचा लिया बेटा। वाह चाचा जी वाह, अपने जान पे बनाई तो बेटा बेटा, पर बेटे की जान लेने चला था। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर क्यों की गलती तुमने? सर प्रॉपर्टी के लिए,
भैया भाभी टिंकू के नाम सारी प्रॉपर्टी करके मर गए और टिंकू के बाद वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाती। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी हितेश, तुम जैसे पति को तो मुझे ही मार डालना चाहिए। शर्म आती है मुझे तुम्हें भैया कहने में। पैसों की लालच में रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी तुमने। एक मासूम बच्चे की जान लेने चला था, अब जेल की रोटियां तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ले जाओ इसे। टिंकू, अब आप अपने घर जाइए बेटा। चलो बेटा अब हम घर चले। नहीं, मुझे यही रहना शीरा के साथ। बेटा टिंकू, ये जंगल जो है वो शेरा का घर है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने घर जाओ बेटा, अभी तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, बड़ा आदमी बनना है, हैं? चलो बेटा घर जा। हाँ टिंकू, देखो अभी शेरा ना बहुत बड़ा हो गया, हमारे साथ तो नहीं रह सकता, और फिर तुम्हारी ये बुआ कैसे रहेगी तुम्हारे बिना। चलो प्लीज। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.